दर्शना जी, आपके हिसाब से ये जो रिकॉर्ड जीत है आपकी गुजरात में, इसकी वजह क्या है? किन कारणों से? दो तीन कारण जो सारे पिछले रिकॉर्ड, मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी के अपने रिकॉर्ड भी टूट गए, क्यों? क्योंकि जो जिस तरह से पिछले कई सालों से जो हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है, उनकी लोगों को, उन लोगों को फील हुआ है, लोगों की जो अपेक्षा है थी वो हम लोगों ने पूरी कर ली थी। जितने भी मुद्दे थे जो लोगों के दिमाग में थे, जैसे राम मंदिर वाला, कश्मीर वाला, जो हम लोगों को गुजरात की अस्मिता वाला, डेवलपमेंट वाला, वो सभी मुद्दों के साथ जब हम जनता के बीच जाते थे तो कई दिनों से, कई महीनों से हमें लगता था कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी काम कर रही है उनसे लोगों को उनके प्रति आदर है, सम्मान है, और वो उनमें विश्वास रखती है। जो भरोसे की सरकार की बात है वो सबसे पहले हुई है। लेकिन दर्शना जी, फिर एक प्रश्न ये है कि आप गुजरात में ऐसा काम कर रही हैं कि 27 साल बाद भी लोगों को पसंद आ रहा है, हिमाचल में ऐसा काम नहीं कर पा रही कि 5 साल बाद भी पसंद आए, वहां क्लियर मैंडेट है ही नहीं, आप 31 पर हैं। नहीं, मैं समझती हूं कि ये हर एक स्टेट की मिजाज अलग अलग होती है, क्योंकि मैं तो गोवा इलेक्शन में भी रही, 40 दिन तक रही वहाँ प्रभारी के नाते, तो वहाँ का मूड अलग था, वहाँ कितनी पार्टियाँ थी और वहाँ कैसे आपकी डिपॉजिट गुल हुई। इसके बाद में उसने गुजरात का दौरा किया, हिमाचल से उसने पीछे हट कर लिया, वो क्लियर कट दिखाई देता है कि कांग्रेस मुक्त भारत के लिए जो लोगों, हम लोगों ने अभियान करा था तो उसी का ऑप्शन लोग शायद ढूंढ रहे हैं, तो कांग्रेस के ऑप्शन से आपको जगह मिल रही है वो तो हमें साफ दिखाई दे रही है, और बार बार ये चीज हम लोगों ने प्रूव कर ली है। आप देखिए कि वहां मेरी, अच्छा दर्शना जी, आपको एक अच्छी खबर दे देता हूं, 12 सीट में आपके ये बोलते बोलते अच्छी खबर आपके लिए ये आ रही है कि हिमाचल में ऐसी कम से कम 6 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी 100 वोट से आगे चल रही है, मात्र 100 वोट से। तो आपके लिए अभी स्कोप है हिमाचल के अंदर? हाँ, तो मार्जिन कम हो जाएगा उनका, है हाँ। नहीं, हम मेहनत कड़ी करते हैं, जो पार्टी की विचारधारा के साथ में संगठन का, सत्ता और संगठन का मेल जो हम लोगों का है बहुत अच्छे से है, और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से गुजरात की अस्मिता का सवाल है और प्रधानमंत्री जी और अमित भाई ने जी जान से लगा दिया, उसी तरह से वहाँ पे भी हिमाचल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और अनुराग जी और सब, इतने सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, सबके काम के प्रति लोगों को आदर होगा। और जो वहाँ की एक पैटर्न होती थी कि हर साल में वो लोग अपना मूड चेंज कर लेते थे, लेकिन वहाँ पे भी हम लोगों ने जिस तरह से डेवलपमेंट की बातें करी, क्योंकि जितनी रेलवे से मैं जुड़ी हूँ, वंदे भारत चली, उसका इम्पैक्ट जो पड़ा, जो हमारे रोड्स बने हैं, जो हिली एरिया के अंदर भी जो चीज़ें चाहिए, मुझे लगता है कि 108 की योजना सबसे पहले अगर कहीं पर सक्सेस हुई थी वो हिमाचल में हुई थी, क्योंकि तब तो हिमाचल में हमारी सरकार पहली बार बनी थी और वो योजना जो थी वो कांग्रेस की थी, सेंट्रल की थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए गुजरात और हिमाचल ने इनिशिएटिव ले लिया था, और वहाँ हिली एरिया में जब ये 108 चली तो जितनी योजना बनी, स्कीम बनी राज्य सरकार, योजनाओं का इम्पैक्ट है कि हिमाचल में भी आपको पूरी उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी। दर्शना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।